और बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना मीटर और बेहद चौंकाने वाला, अलर्ट करने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि 12 घंटे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ 12 घंटे में 224 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इस दौरान जोधपुर में 4, कोटा उदयपुर में 1-1 की मौत हुई है। सर्वाधिक 48 कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रतापगढ़ के अंदर मिले हैं। इसके अलावा अजमेर में 7, अलवर में 23, बारा में 4, भरतपुर में 8, भीलवाड़ा में 3, बीकानेर में 12, चूरू में 1, दौसा में 7, डूंगरपुर में 1, जयपुर में 31, जालौर में 18, झालावाड़ में 3, झुंझुनू में 7, कोटा में 5, पाली में 33, राजसमंद में 6, टोंक के अंदर 3 मामले और उदयपुर में 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अगर बात पूरे प्रदेश की अब तक की जाए तो प्रदेश में मौतों का आंकड़ा 453 पहुंच चुका है। वहीं पॉजिटिव मरीज 19756 हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में कुल मौतें 453 हो चुकी हैं। वहीं पॉजिटिव आंकड़ा 19756 हो चुका है। प्रदेश में जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं उनकी संख्या 15663 है। यह आंकड़ा जरा समझिए, बीते कई दिनों से आंकड़ा 3000 के आसपास चल रहा था, लेकिन अभी ये पॉजिटिव का आंकड़ा 4000 पहुंच चुका है। अस्पताल से डिस्चार्ज जो हो चुके हैं उनकी संख्या 15351 है। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिसका अंदेशा हम जता रहे थे कि अनलॉक 2 जैसे ही होगा कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी होगी, कल जिस तरीके से लगभग 500 के करीब मामले और अब 12 घंटे में 250 के आसपास मामले, लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ कि जो पॉजिटिव आंकड़ा है वो 4000 के पार पहुंच चुका है जो एक्टिव केस है। बिल्कुल विजेंद्र, आप देखिए जिस तरह से अनलॉक की शुरुआत हुई थी उसके बाद से पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ जो है वो एकाएक बढ़ा है। अभी की बात करें तो जहां पहले 200 के आसपास का एवरेज औसत था, वही एवरेज औसत जून के महीने में 350 के आसपास पहुंच गया है और अब जाकर के अगर बात करें जुलाई के महीने की तो एवरेज औसत 350 को पार कर गया है। यही वो वजह है कि एक्टिव की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप देख सकते हैं कल जिस तरह राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 480 केस पॉजिटिव आए थे, वहीं दूसरी ओर 12 घंटे के अंदर 235 केस जो है वो 34 केस जो है पॉजिटिव। उसके साथ ही राजस्थान में एक्टिव मरीजों का ग्राफ जो है वो 3640 पहुंच गया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा फिगर है एक्टिव केस का। यानी कि राजस्थान के अंदर अब एक बार फिर से कोरोना के केस जो है बढ़ने लगे और बढ़ भी रहे हैं, वो बहुत बड़े गति से बढ़ रहे हैं। जिस तरह से पहले जितने केस बढ़ रहे थे उसी अनुपात में मरीज ठीक भी हो रहे थे, लेकिन आज का आंकड़ा जो देखते हैं उसमें जो आंकड़ा अब 4000 की ओर बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि पिछले एक महीने में 3000 के पास केस बने हुए थे, लेकिन अब वापस दो गज की दूरी बनाकर रखिए, वरना यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ेगा और हो सकता है आप भी इसकी जद में आ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है।